हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम ये खजूर वाले पेड़ में आज जो हम नर का पॉलिनेशन करते हैं, तो मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और उसके ऊपर हम ये कागज़ की बैग भी पहना रहे हैं। तो देखते हैं कि ये हमारी खजूर में जो पॉलिनेशन है उसमें कितनी मेहनत लगती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो हम। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये, इसको हम हाथा बोलते हैं। ये हाथा है ना, जब भी ये ऊपर से अभी आपको देखो कि चॉकलेटी कलर जैसा दिख रहा है और वो फट जाता है, तब उसमें से ऐसा निकलता है। ये देख सकते हैं आप। अभी इसको पॉलिनेशन करना है। अभी जो ये आता फटा हुआ है उसमें हम पॉलिनेशन करेंगे और बाद में ऐसे तैयार होगा वो। तो और उसके बाद हम ये कागज़ की बैग पहनाएंगे। तो हम कैसे इसको पॉलिनेशन करते हैं, मतलब हम देसी भाषा में, गुजराती में हम इसको नराना बोलते हैं कि नर छाटे हो, एम ये रीते हमें इन्हें बात करिए छे। तो पहले हम इसको देखो, ऐसे उसके जो चारों ओर पत्ते होते हैं जो चॉकलेटी कलर जैसे, वो कट कर देते हैं। और अभी मेरे साथ ये भरत भाई ये नर की बैग लेके आ गए हैं और साथ में दिनेश भाई भी है। और अभी ये जो पानी है उसमें पाउडर मिलाया हुआ है नर का। ये सब मादा झाड़ है, मादा झाड़ पे ही खजूर आती है। और देखो, पहले पानी छाटा और फिर बाद में ये नर का पाउडर भरत भाई ने इसके ऊपर डाल दिया है। और फिर ये जो डाली है नर की वो उसके अंदर रख देंगे। और इसके बाद ये हम जो रबड़ आता है, जो कच्चा रबड़ है, वो पहना देते हैं ताकि वो अपने आप, जैसे जैसे बड़ा होगा तो रबड़ अपने आप टूट जाएगा इसीलिए। और इसके बाद अभी हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं ऐसे। और उसके बाद हम इस पे बैग पहनाएंगे ताकि एक प्रकार का ऊपर से जो निकाल दिया वो हमारा थोड़ा सा ग्रेडिंग हो गया। बाद में ये बैग पहना देते हैं और इसको अभी हम स्टेपलर लगा देंगे ताकि ये निकल ना जाए। ऐसे देखो, सब जो आते हैं उसमें लगाई हुई है। और एक दूसरा हाथा हम देखते हैं कि कैसे डराते हैं। वो देखो, ऊपर वाली जो बैग है वो अभी से थोड़ी फटी हुई है और उसमें साइज बड़ी होने लगी है, इसलिए वो पहले छटा हुआ नर था। अभी ये जो पाउडर वाला पानी है, मतलब इसमें नर का ही पाउडर है, वो पहले इसके ऊपर छिड़काव किया क्योंकि थोड़ा गीलापन हो जाए तो नर अच्छी तरह से उसके ऊपर लग जाए। और फिर ये नर की डालिया है, ये नर वाला पाउडर है, देखिए आप। और बाद में इसके ऊपर हम देखो फिर से दूसरे वाले में रबर लगा रहे हैं। और फिर ये ऊपर की जो डालिया है वो कट कर रहे हैं। और इसके ऊपर अभी हम कागज़ की बैग पहना देंगे। और अभी हम ये सब जो भी आते हैं उसके ऊपर नर का छिड़काव कर रहे हैं, उनकी गिनती भी कर रहे हैं।
एकदम अच्छे से बेक करना दिया और बाद में स्टेपलर लगा देंगे। और अभी आप देखो कि इसके अंदर हमने मेथी लगाई हुई है और ये पेड़ प्याज, ये नर का जो वीडियो है वो लेने के लिए हम भी आज ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़े हैं। और ये करीब तो 4-5 दिन पहले नर छंटका हो गया है, वो देखिए अभी वो धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसके ऊपर अभी बैग पहनानी बाकी है। मैंने आपको दिखाया कि हम नर का पाउडर है वो ये मादा पेड़ पे कैसे छंटकाव करते हैं और कैसे पॉलिनेशन करते हैं, आप देख सकते हैं ये सब। और इसमें मेहनत भी बहुत है और देखो ये पूरे पेड़ पे करीब 15 से 17 जैसे हाथे निकले हुए हैं। और अभी कल तक का हमारा टोटल था कि 15,200 जैसे ऐसे हमारे जो हाथे बोलते हैं हम जिसको, वो हाथे पे हमने नर का छंटकाव कर दिया है और अभी शायद 3,000 और हो गए, तो मतलब इस साल 18,000 जितने जो हमारे खजूर के पेड़ है उसमें से हाथे में हमने नर का छंटकाव कर दिया है। वो हम गिनती करते हैं क्योंकि जब भी ये हमारा विस्तार में बारिश की सीज़न स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले उसके ऊपर हम जो प्लास्टिक का जो बैग आता है वो पहनाते हैं। तो अभी हम गिनती करेंगे तो हमें मालूम रहेगा कि हमें कितनी बैग मंगवानी है और कैसे उसमें हमने काम किया और कितना प्रोडक्शन होगा, ये अंदाज हमको पहले से लगे इसलिए हम इसकी गिनती करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज ये हमारा पूरा जो खजूर का पेड़ है वो अभी हम रोज़ नीचे से ही देखते थे, मतलब ज़मीन पर से ही, और आज अभी ये पेड़ के ऊपर का वीडियो हमने लिया है। आप वातावरण भी देख सकते हैं चारों ओर। तो फ्रेंड अभी हम आपको नया नया वीडियो दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास यही एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है, तो जो भी किसान यंग है और उनको अभी क्या है कि शर्म आती है कि मैं किसान हूँ ऐसा बोलने में, तो उनके लिए हम ये दिखाते हैं कि भाई देखो हम भी खेती कर रहे हैं और ये हमारा मतलब कि वारसागत बिजनेस है, उसको हमें सबको संभालना चाहिए और इसमें कुछ शर्म की बात ही नहीं होती है, बल्कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक किसान पुत्र है। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी ये सब काम कैसे कर रहे हैं।